नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उम्मीद है आप ठीक होंगे। हाल ही में एक अखबार में ये खबर छपी है कि एक लड़की का इतना यौन शोषण हुआ कि उसे सेक्स की आदत पड़ गई। एक दूसरा अखबार भी है, इसमें खबर छपी है 15 मिनट में एक लड़की यौन शोषण का शिकार हो रही है। और तीसरा अखबार भी है। तीसरे अखबार को जब हम उठाते हैं तो उसमें लिखा है कि आज के युवाओं में सेक्स की वीडियो देखने का क्रेज बहुत बढ़ गया है और इस वीडियो को बनाने का क्रेज भी बहुत बढ़ गया है। और इन तीनों ही खबर में किसी ना किसी तरह से लड़की यौन शोषण का शिकार हुई। और आप शायद ये सुनकर थोड़े परेशान भी हो जाएंगे कि लड़कियां यौन शोषण का शिकार होती हैं, उन्हें इतनी हैवानियत का शिकार होना पड़ता है जिसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सेक्स एक ऐसा शब्द तो है जिसे आप सुनते होंगे और पढ़ते होंगे तो बहुत कुछ सोचते होंगे, लेकिन यही सेक्स कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। हाल ही में ऐसा ही एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में आया जब करीब एक दशक बच्ची का यौन शोषण करने के आरोपी को जमानत देने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता की लिखी हुई नोटबुक का जिक्र किया जिसमें उसके साथ हुए शोषण के बारे में लिखा गया था। अदालत का कहना था कि पीड़िता की मानसिक और शारीरिक स्थिति को बताने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि सदमे के चलते पीड़िता को सेक्स की आदत हो गई और वो बार बार सेक्स करने लगी। जब पीड़िता की नोटबुक को पढ़ा गया तो पीड़िता ने 27 पन्नों में अपने साथ हुई हैवानियत का जिक्र किया था, जिसको जिसने भी सुना वो निशब्द रह गया। उसमें लिखा गया था कि कैसे उसका पड़ोसी उसके घर में उसे बुलाकर उसके साथ यौन शोषण करता था। उसको दिन में 5 बार बुलाया जाता था, 5 बार बुलाकर भी उसके साथ यौन शोषण किया जाता था। उसे जूस में मिलाकर शराब दे दी जाती थी, फिर उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया जाता था। इतना ही नहीं, कई लोगों को बुलाकर भी उसके साथ यौन शोषण किया गया। उसकी वीडियो बनाई गई थी और उसे सोशल मीडिया पर डाल देने की धमकी दी जाती थी। और तो और, लड़की को मारा पीटा जाता था, उसके साथ ओरल सेक्स किया जाता था और उससे 9 साल में ना जाने कितनी बार यौन शोषण किया गया था। लेकिन भारत में ऐसा कई लड़कियों के साथ हो रहा है। महिलाओं पर अत्याचार के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे खतरनाक देश बन गया है। एक सर्वे में यौन हिंसा और यौन शोषण भारत में आम बात हो गई है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन यौन हिंसा और यौन शोषण मामले में अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें बाकायदा ये लिखा गया है, मेंशन किया गया है, यानी लिखा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा यौन शोषण होता है। दिसंबर 2012 की बात है, वो तो आपको याद ही होगा कि जब दिसंबर 2012 में दिल्ली में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म हुआ और सबकी आंख में आंसू थे, लेकिन उसके बाद भी यौन शोषण देश में कम नहीं हुआ। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के मुताबिक भारत में रोज यौन शोषण के 100 मामले दर्ज हो रहे हैं, यानी आपके घर में भी कोई महिला यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही है। और शायद वो इसलिए ना बता पा रही हो, जिसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि अक्सर जब यौन शोषण किया जाता है तो या तो अश्लील वीडियो बनाकर महिला को धमकी दी जाती है या फिर उसे इतना डरा दिया जाता है कि वो किसी को बता ही नहीं पाती। और तो और, सबसे ज्यादा यौन शोषण और कहीं नहीं बल्कि उनके घर में और उनके पड़ोसियों की ओर से हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि देश में रोजाना औसतन 86 दुष्कर्म के मामले दर्ज हो रहे हैं और उसमें मुख्य आरोपी पड़ोसी होता है। ऐसा भी नहीं है कि देश में कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये सब देश के अंदर हो रहा है। धारा 375 में दुष्कर्म को परिभाषित भी किया गया है। दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान भी है। दुष्कर्म के लिए धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। इसके मुताबिक आरोपी को 7 साल की सजा से लेकर मौत की सजा का प्रावधान भी है, कि कानून है हमारा। वहीं नाबालिगों के लिए पॉक्सो एक्ट भी बनाया गया। इसको थोड़ा देर से बनाया गया क्योंकि 2012 में इसे बनाया गया था। इस कानून को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट के नाम से बनाया। इस कानून के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि डिजिटल क्रांति ने हर शख्स के हाथ में अश्लील चीजों की पहुंच आसान कर दी और ये आसान पहुंच लोगों की मानसिकता पर प्रभाव डालता रहा।
जिस कारण इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है, यानी यौन शोषण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो भारत में कानून व्यवस्था के खराब होने के चलते भी अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जो यौन शोषण को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि भले ही देश में दुष्कर्म को लेकर कानून बने हों लेकिन सजा की प्रक्रिया बेहद जटिल है, यानी बहुत मुश्किल से सजा मिल पाती है, जिस कारण अपराधी को सजा मिलने में काफ़ी समय लगता है। दुष्कर्म मामलों में आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल जानी चाहिए, जिससे लोगों में डर पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। एक बात और है, और वो है नैतिक शिक्षा की कमी। नैतिक शिक्षा का सीधा अर्थ होता है व्यवहार, जिससे सबकी रक्षा हो सके। ये शिक्षा बच्चों को छोटी उम्र से ही दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करता है, इसलिए नैतिक शिक्षा जरूरी होनी चाहिए। यौन शोषण के मामलों के बढ़ने की और भी तमाम वजह हो सकती हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और देश की महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यौन शोषण मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून व्यवस्था का सख्त होना तो जरूरी है। लोगों में जब तक कानून का डर नहीं होगा, इस तरीके के अपराध कम नहीं हो सकते, और ये देश की सच्चाई है। लेकिन आज के समय में दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध के बावजूद महिलाएं चुप रहती हैं, ये भी एक सच्चाई है। महिलाओं के चुप रहने के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। कई बार दोषी ज़्यादा ताकतवर होता है और पीड़िता के गरीब परिवार से होने की वजह से पुलिस तक उनके लिए जाना मुसीबत का काम होता है, ये एक बड़ी वजह रहती है। आमतौर पर पीड़िता के माता पिता सोचते हैं कि उसकी बदनामी होगी, परिवार की इज्जत ज़्यादा मायने रखती है। ऐसे में कई बार पैसे लेकर मामला निजी तौर पर सुलझा लिया जाता है, और ये कई केसेस में हुआ है, और कई केसेस पुलिस के पास ऐसे हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसलिए लड़कियों पर ऐसे मामलों को दबा लेने का दबाव भी बना दिया जाता है, ताकि विवाद ज़्यादा ना बढ़े। इस स्थिति में फैमिली से किसी तरह की मदद ना मिलने के कारण पीड़िता को चुप रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है, यानी वो चुप रहती है, किसी को बताती नहीं है। वहीं दुष्कर्म के जो आंकड़े दिए जाते हैं, उन सरकारी आंकड़ों में उन महिलाओं के मामले शामिल नहीं होते जो समाज के डर से अपने साथ होने वाली यौन शोषण की शिकायत दर्ज नहीं कराती। यानी ये कहा जा सकता है कि आंकड़े वही होते हैं जो पुलिस दर्ज करती है। जो महिलाएं यौन शोषण को लेकर पुलिस के पास नहीं जाती, वो आंकड़े होते ही नहीं है। और अक्सर जब यौन शोषण में कोई परिचित शामिल हो तो कई महिलाएं करियर और फ्यूचर की टेंशन की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, यानी पुलिस के पास नहीं जा पाती। फैमिली मेंबर्स को लगता है कि अगले कुछ साल में लड़की की शादी करनी है, इस बीच अगर दुष्कर्म की बात सार्वजनिक हो जाएगी तो लड़का ढूंढना मुश्किल होगा। बात सबको पता चलेगी तो लड़की की शादी नहीं होगी, और लड़की से शादी कौन करेगा। इसलिए पीड़िता के पेरेंट्स लड़की की पहचान जाहिर होने देने से बचते हैं, पहचान को जाहिर नहीं किया जाता। उनके लिए दुष्कर्मी को सजा दिलाने का मतलब होता है मामला सबके सामने लाना। ऐसे में महिलाओं को अतीत भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है। अगर गांव देहात की बात करें तो गांव देहात में तो पीड़िता पर ही दोष मढ़ देने का चलन है, और अब तक ऐसा बना हुआ है इस सदी में भी। क्योंकि जब कोई परिचित दुष्कर्म में शामिल होता है तो पेरेंट्स को फैमिली रिलेशनशिप खराब होने का डर सताता है। अगर पीड़िता दोषी को सबके सामने लाने की हिम्मत भी करे तो उसे बुरी औरत मानते हैं, जो एक अच्छे इंसान की इज्जत को खराब कर देना चाहती है। कहा जाता है, तुम अकेले क्यों गई, तुमने बात क्यों की, इस हादसे की वजह तुम ही हो, इस तरह के आरोप उस पर थोप दिए जाते हैं। ऐसे वक्त में फैमिली सपोर्ट ना मिल पाना बहुत दर्दनाक होता है। हमें अचानक अगर दरअसल छोटी सी चोट भी लग जाए तो तुरंत किसी से शेयर करने का मन आपको करता है, मुझे भी करेगा, मगर अकेले सब कुछ झेलती लड़की अपने साथ हुए अत्याचारों को लेकर दूसरों से खुलकर नहीं कह पाती। ऐसे में उसकी दिमागी सेहत पर गहरा असर पड़ने लगता है। अपना दर्द अंदर ही अंदर लड़की छुपाने लगती है। डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ट्रॉमा का वो शिकार हो सकती है, और इसी वजह से यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं पाती। वैसे महिलाओं के प्रति होने वाला कोई भी अपराध सिर्फ एक महिला के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए गंभीर मुद्दा है। इसलिए महिलाओं और बेटियों को अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी, यानी खुद अपनी आवाज़ बनना होगा। आपका डरना और चुप रहना ऐसे अपराधों को बढ़ावा ही देगा। सबसे अहम बात यह है कि बचपन से ही बच्चों को महिलाओं का सम्मान करना आप सिखाइए,
इंटरनेट पर अश्लील वीडियो पर कानूनी प्रतिबंध तो जरूरी ही है, लेकिन अश्लील वीडियो कहीं आपके घर में तो नहीं देखी जा रही और उस वजह से कहीं कोई यौन शोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है। फिलहाल इन सब बातों पर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है और ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से यौन शोषण के केस बढ़ रहे हैं वो एक गंभीर मुद्दा है और कई सवालों को भी जन्म देते हैं। आपके सामने ऐसे मुद्दों को हम लाते रहेंगे, ऐसी खबरों को बताते रहेंगे और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।